इमरान भाई आपके सवाल लेंगे जरा, ये अपना चॉइस आप बता दें, क्योंकि अगला टारगेट इनका घर था। ये बड़ी भोंडा और बेहुदा अंदाज है इस तफ्तीश का, तफ्तीशी अफसरों का, जिनमें अव्वल तफ्तीशी अफसर IGP, और मैं बार बार, मैं तो आई इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का तकरीबन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया पे टॉक पे मैं उसको आवाज देता हूँ कि आओ यार इधर आओ, आओ आओ बताओ तुमने 9 मई को क्यों नहीं तुमने तुम्हारी पुलिस हरकत में, वो कहीं तो आ जाती, यहाँ लाहौर में कोर कमांडर हाउस में नहीं आई, लाहौर में अस्करी टावर पे नहीं आई, लाहौर में दूसरे जो मकाम आते वो ये पिंडी में GHQ के पे नहीं आई, फैसलाबाद में ISI के दफ्तर पे नहीं आई, पेशावर में नहीं आई जब वो आग लगा रहे थे रेडियो पाकिस्तान, सरगोधा में MM आलम का जहाज, कहीं नहीं आई। इसके पुलिस IG की एक थानेदार ने मूव किया किसी एक वाकये पे, वकूए पे, किसी एक वकूए के जाने, एक थानेदार ने मूव किया, एक ASI ने मूव किया, और 8 घंटे वो आपकी टाइमलाइन आज ही आई है। ये बलवाई मौज करते रहे, बलवाइयों के पास ये साबित हो गया कि सिवाय एक इंसिडेंट जो इन्होंने जाली डाला हुआ है पिस्तौल, कोई आतिशी असला नहीं था, आतिशी असला नहीं था तो एक थाने का थानेदार चला जाता, वहां वहां कोई ज्यादा लोग तो आपको नजर नहीं आते, मिसाल के तौर पे ये जो है कोर कमांडर साहब, उस पे आपकी उस हाउस को कोई 150-200 सिपाही नॉर्मल टर्म टाइम में उसके पहरे पे होता है, वो पूरा एक कंपनी है उस। अब वहां कोई आए ही ना, ये किस समझ, ये IG बताए, IG बताए, IG मेरा, मैं तो उसको शामिल है तफ्तीश सबसे पहले IG को करूं, पर IG के साथ एक और चीज देखो, इतनी कोताही, कम अज कम गफलत तो है ना, कम अज कम अज कम कोताही तो है, कम अज कम नायाली तो है ना। इस IG को ना शहबाज शरीफ ने वापस बुलाया कि वी कॉल यू, यू आर अ फेडरल ऑफिसर, फेडरल ऑफिसर्स की तू वो नहीं कर सका, हिफाजत नहीं कर सका, वापस आओ, वी रिकॉल यू, ना इस पंजाब के केयर टेकर ने उसको वापस भेजा। तो IG जिस वजह से नहीं गया, उस वजह का अमीन शहबाज शरीफ भी है, मोहसिन नकवी भी है, राणा सनाउल्ला भी है, ये आदम नजीर तारण भी है, ख्वाजा साहब बड़ा बोलता है वो भी है, ये सब उसमें शामिल है, ये एक साजिश, और ये अस्करी जो है इदारे और उनका सरबराह जो आर्मी चीफ भी है, इनको मिसलीड किया जा रहा है, और ये मिसलीड कर रहे, और इनकी तो एक तारीख है, हिस्ट्री है, हर दफा जाते हैं सर रघू करके, हर दफा सीना चाकाने चमन वापस आ रहे होते हैं, और ऐसा इनको साइकिल, इनको ये विन बैक करना बहुत आता है, और ये करते इसी तरह है कि जिस तरह आज मैं समझता तो हूँ उन्होंने आर्मी चीफ को भी मिसलीड किया हुआ है, और कल का ISPR तो लगता है कि फौज इनके हाथों में खेल रही है। ये अजीब बात है कि आपका IG ये कहना कि कंटोनमेंट में फौज की जिम्मेदारी है पहली लॉ एंड ऑर्डर की, ये नहीं, फौज अगर किसी को बंदे को गिरफ्तार भी करेगी पहले थाने में जमा कराएगी, फिर 549 का रिमांड मांगेगी, हैंडिंग ओवर, उसको भी थाने में रोज नामचे में जमा होना चाहिए। अब ये थाने हैं कंटोनमेंट के, शुमाली थाना है, कंटोनमेंट जनूबी है, दीगर है, अब सर्वर रोड थाना है करीब तर उसके, तो उसी से कोई, मैं तो एक सवाल पूछता रहूंगा, ये आप देखेंगे ये सवाल सारी इंक्वायरी को मुहित हो, वो क्या है कि IG साहब आप किधर थे, कहाँ थे, आप मॉनिटर कर रहे थे, आपने पहले
एक एक मिनट का बताया कि उस मिनट में वहां पहुंचे, आप मॉनिटर कर रहे थे और आपने ये नहीं देखा कि ये नुकसान हो रहा है इतना प्रॉपर्टी का। जिना हाउस को ही बचाने आ जाते, कोर कमांडर हाउस को नहीं बचाना था, अब जिना हाउस को ही बचाने आ जाते। ये इसमें अब ये जो किया उन्होंने, ये मोहसिन लंबा, उस बेचारे को पता नहीं कहां से निकाल लिया, उसको क्या लालच दी है, उसको क्या खौफ, डराते भी बड़ा है, वो डराते हैं तो एक कमरे से निकलता है, एक दरवाजे से निकलता है, एक अच्छा भला आसूदा अशराफिया का, अशराफिया में बिलोंग करने वाला शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, घर जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता तो दूसरे दरवाजे से उसको वापिस ले लेते। ये भी एक ड्रामा, बड़ा नया नया काम हो रहा। अब ये हो रहा है कि इसको मोहसिन लांबे और जुबैर नियाजी से ये जाना चाहते हैं इमरान नियाजी, असल में उनका वो अदम, और इनकी कोशिश ये है कि खोसा और एतराज भी समझे कि इमरान खान ने हम पे फायर करा दिया, उसने कासिम के अब्बा ने हम पे फायर करा, अब हम नहीं ये समझने वाले, हम ऐसे कोई ढकोसले बच्चे। ये काम उसी तरह है जिस तरह एडवोकेट रजाक का कत्ल होता है क्वेटा में, सबसे पहले कौन शोर डालता, अताउल्ला तारण, अभी FIR नहीं हुआ, मेरे पास ये टेप है, मैं आपको सुना दूंगा दर्शक, मेरे पास वो, उसमें मैंने, मुझे उसने एक एंकर ने ले लिया कोई इस वारदात के कोई 2-2.5 घंटे बाद, पर उससे पहले उसी वक्त उसने बयान दिया था अताउल्ला नियाजी, अताउल्ला तारण, या तारण नहीं या नियाजी ने अच्छा वो तारण भी है साडा बड़ा माया नाज लॉ मिनिस्टर, बड़ा अच्छा आदमी है, आजम नदीर तारण इन्होंने शगिर्द है इन्होंने, अच्छा, और तारण अताउल्ला तारण, अताउल्ला तारण अब FIR नहीं हुआ वा, क्वेटा में वारदात हो रही है, कहते जी ये तो इमरान खान ने कराया, इमरान खान, और इमरान खान मोटिव सी, और ये उन्हें कराया है, और कल पेशी लगी सी उस पेशी जिसने, वो ही गोज इन टू द मीडिया, मुझे एंकर उसने मुझे कहीं फोन कर लिया, मैंने कहा ये मैंने भी सुना है आप ही के प्रोग्राम में, ये पहले वो कह रहा है फिर आपने मुझे फोन कर दिया, ये इंतहाई बेहुदा तरीका है, और आम कत्ल हो ना, कोई ऐसा कत्ल हो जिसका मिल ना रहा हो सुराग, एक तो ना सामने मारा 10 आदमियों के सामने, बाजार में मारा, घर में मारा, तो 2 सर्वाइविंग PWs रह गए, एक होता उसका कोई नामजद नहीं होता, अब उसमें जब तफ्तीश वाला देख रहा होता वो देखता शोर कौन ज्यादा बजा, वावेला कौन ज्यादा का, रोना पुटना किने पाया, स्यापा किने पाया, वो उसकी तरफ, अगाथा क्रिस्टी के नावल पढ़ ले, मैकबेथ शेक्सपियर का पढ़ ले, वो लेडी मैकबेथ मार के बादशाह को खुद और सबसे ज्यादा शोर डाल, वो बाकी सारे कहते हैं एक बूढ़ी ने किया, तो वो ये एक ये जो अताउल्ला तारण है इसको क्या खबर थी कि ये कत्ल होना है, और कत्ल का पर्चा इमरान खान पे होना, और इमरान खान पे करा दिया पर्चा, मैं कुछ तरफदार इमरान खान का तरफदार होकर बात नहीं कर रहा हूं, ये तो एक ये इसी तरह का ये हमारे घरों पे उन्होंने बनाया है कि हमें जरा रंजिश हो जाए इमरान खान से। अब जो इसमें मैं समझता हूं इस केस में, ये IG ये DIG मेरे ये तफ्तीश में शामिल होने इनकी जरूरत है, फिर मुझे या खोसे को या दोनों को इनकी जिरा करने की, इनसे सवाल पूछने का मौका दे, जो इनके जो तफ्तीशी का काम है, हम लोग कुछ नहीं मांगते, इनसे सवाल करने का, 9 मई के भी आपको वारदात के पीछे सही बंदे जो है निकाल दें। उस्मान
ये लंबा कहां से इन्होंने इजाद किया ये भी पूछेंगे। जी सर अब आप ये अच्छा ये बताएं जो सर बात जरा करनी मुश्किल है लेकिन आप भी